तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप टेन करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का है टॉप टेन करंट अफेयर्स चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को कितने रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है तो दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो संजय यादव को नियुक्त किया गया है तीसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में सौ करोड़ रुपये की लागत से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया तो इसका जवाब है कानपुर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कोविड नाइन्टीन से अनाथ हुए बच्चों के लिए चलाई गई मुहिम कौन सी है तो आसरा मुहिम थी किस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं तो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दिव्यांगों को राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं दोस्तों छठा क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश का वह जिला जो कोविड टीकाकरण के लिए टीकाकरण के मामले में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है तो इसका जवाब है लखनऊ उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ व्हाइट फंगस का पहला मामला दर्ज किया गया तो इसका सही जवाब है मऊ अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश में अठारह वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के प्रथम चरण की शुरुआत कितने जिलों में कराई गई थी या कितने जिलों में की गई थी तो प्रथम जो है टीकाकरण की शुरुआत जो है सात जिलों में की गई थी दोस्तों ये सात जिले हैं लखनऊ कानपुर प्रयागराज वाराणसी गोरखपुर मेरठ बरेली जो एक मई से एक मई 2021 से ये वैक्सीनेशन शुरू किया गया था अठारह वर्ष से अधिक उम्रों के लिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों को नाइन नंबर का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ज़मीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु तो कितने अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है तो 16 अंकों का नंबर जारी किया गया है इसमें बच्चों कहा गया है कि जमीन धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का कोड होगा इससे व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक पर जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा इस योजना के तहत पुराने मालिक के साथ भी नए मालिक का भी नाम दर्ज होगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह सॉफ़्टवेयर जिसे हाल ही में बाल विवाह रोकने के लिए श्रावस्ती जिले में विकसित किया गया तो इसका सही जवाब है परिपक्व सॉफ्टवेयर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार आवास योज आवास प्लस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराएगी तो इसमें सरकार जो है 25.5 लाख ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराएगी तो थैंक यू दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगली वीडियो में फिल्म मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद